हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल निधि मोम एंड फूड। और आज हम बनाएंगे मकई के नाचोस, जिसे तो वैसे चीजी सॉस के साथ खाया जाता है, बट ये टमाटर सॉस के साथ भी अच्छा लगता है खाने में। तो इसके लिए हमें पहले एक कटोरी लेना है मक्के का आटा, और आधी कटोरी लिया है मैंने मैदा। वैसे तो इसमें मैदा यूज़ होता है, पर आप चाहो तो गेहूँ के आटे का यूज़ कर सकते हो। इसमें मैंने एक टीस्पून डाल दिया है कलर के लिए हल्दी, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और ये मैंने कुछ काली मिर्च दरदरी कूट के डाल दी है इसमें। इसे हम अच्छे से करेंगे मिक्स, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक डो लगाएंगे। तो हमें इसका डो एकदम ना टाइट लगाना है ना ही ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है, एकदम सेमी सॉफ्ट डो हमें लगाना है, यानी कि मीडियम सा, ना ज़्यादा गीला होना चाहिए ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए। ये जो नाचोस है ना, ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, और ये अगर आप रेस्टोरेंट में खाने जाओगे तो आपको 250 रुपये की प्लेट पड़ती है, पर इसे हम बनाएंगे सिर्फ 15 रुपये में। घर की ही चीज़ों से बनाया है इसे हमने। तो आटा मैंने अच्छे से लगा लिया है, इसको थोड़ा सा अच्छे से मसल के हम रख देंगे इसको 5 मिनट रेस्ट के लिए, ताकि आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाए। तो आटा हमारा अभी सेट हो चुका है अच्छे से, तो इसे एक बार में अच्छे से मसल लेती हूँ फिर से। और इसका हम ऐसे एक लोई लेनी है, जैसे हम रोटी बनाने के लिए लेते हैं बिल्कुल वैसे ही। और आप इसे एक प्लेट पर रख सकते हो, या तो आपके पास चॉपिंग बोर्ड हो तो आप इसके ऊपर भी बना सकते हो, या फिर चकले पर बना लीजिए। तो मैंने इसे एक प्लेट पर रख दिया है, और आप इसको थोड़ा सा सूखा आटा या मैदे का यूज़ कर सकते हो बेलने के लिए। तो इसको इस तरह से आपको बेल लेना है, पर जितना हो सके उसको पतला बेलना है, तो नाचोस हमारे बहुत अच्छे बनेंगे फ्रेंड्स। और अगर आपके घर पे कोई पार्टी है, और अगर आप स्नैक्स बनाना चाहते हो तो भी आप ये महंगे वाला स्नैक्स घर पे बना सकते हो। तो ये बच्चों का तो बहुत फेवरेट है, उनको बहुत पसंद आता है ये। तो मैंने इसे बेल लिया है, और इसको अगर किनारियाँ अच्छी नहीं है, मोटी है, दरदरी है, तो आप उसका टेंशन मत लीजिए। हम इसमें से एक स्क्वायर निकालेंगे, जो इसकी किनारियाँ है उसको तो हम वैसे भी कट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हो किनारी को कट करते हुए मैंने एक स्क्वायर निकाल लिया है। तो जो आइट साइड का जो एक्स्ट्रा डो है वो हम निकाल लेंगे, और जब दोबारा से हम बेलेंगे तब हम इसका यूज़ करेंगे इसमें। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ऐसा एक स्क्वायर निकालने के बाद बीच से हम कट करेंगे दो पार्ट में, और ऐसे कांटा लेके थोड़ा थोड़ा हम ऐसे इसमें होल कर देंगे छोटे छोटे, ताकि नाचोस हमारे फूले नहीं और एकदम क्रंची और कुरकुरे बने। तो अभी हमने इस तरह से इसको कट किया है, तो अभी हम एक नाइफ़ लेंगे और उसकी हेल्प से इस तरह ट्रायंगल शेप में हमें कट करते जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितना ईजी है। अगर इतना इजी है तो हम मार्केट से क्यों खरीदें इतनी महंगी स्नैक्स, हम घर पे ही बना के बच्चों को खिलाएं तो सबसे बेटर है ये। तो बस इस तरह से आपको कट करते जाना है फटाफट, और फिर इसे आपको एक एक करके निकाल लेना है प्लेट के ऊपर से, और ये निकल भी ऐसा जाते हैं। अगर नहीं निकलते हैं तो आप चाकू की नोक की मदद से इसे निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपको प्लेट से निकाल के दूसरी प्लेट में इसे रख देना है, और ये बहुत आसानी से निकल जाएंगे फ्रेंड्स। तो इसको मैंने निकाल लिया है एक बार का, तो अभी मैंने बनाकर इसको प्लेट में सेट कर दिए हैं, और ये मैंने ऑयल रख दिया है गरम करने के लिए। तो पहले आपको ऑयल को बहुत अच्छे से हाई फ्लेम पे गरम कर लेना है, और उसके बाद में आपको स्लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई करना है, तो ही ये क्रंची बनेंगे। तो हम एक एक करके इसमें इसको फ्राई करने के लिए तेल में डाल देंगे, और थोड़ी 2-3 मिनट के बाद हम इसको थोड़ा सा अलट पलट के देखेंगे। तो ऑयल आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए, बट याद आपको ये रखना है कि फ्लेम आपको स्लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर नहीं।
तो ही इसमें नाचोस वाला क्रंच आएगा। तो इसको मैंने अलटते पलटते फ्राई किया है और अभी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स कितने क्रंची बने हैं ये। अभी जो बाकी के थे उसको भी मैंने डाल दिया है फ्राई करने के लिए, तो इसको भी मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। और अब इसके लिए हम एक मसाला बनाएंगे जो इसके ऊपर स्प्रिंकल किया जाता है। तो उसके लिए मैंने एक टेबलस्पून ले लिया है धनिया, और एक टीस्पून जीरा पाउडर, और एक टीस्पून लाल मिर्च, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और एक टीस्पून लिया है मैंने काला नमक। तो इस सब को हम ग्राइंडिंग जार में डाल के इसका एक पाउडर बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा पाउडर बन के रेडी है। तो जो हमने नाचोस बनाए थे ना उसको हम एक डब्बे में डाल देंगे और ये पाउडर इसके ऊपर स्प्रिंकल करके डब्बे का ढक्कन बंद करेंगे और इसको थोड़ा सा डब्बे में ऐसे हिला देंगे ताकि इस पर जो मसाला है वो अच्छे से कोट हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स नाचोस हमारे खाने के लिए एकदम रेडी है। तो इसको मैंने एक सर्विंग प्लेट में सर्व कर दिया है, और वैसे तो इसके साथ चीजी सॉस होता है बट मैंने इसमें टमेटो सॉस का यूज़ किया है फ्रेंड्स, और ये चाय के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।